बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज डायना पैक रूलर का काम करेंगे, वाइब्रेशन इसकी काम कर रही। ये मॉडल नंबर है रूलर का, इस प्लेट पे सारा कुछ। और इस डायना पैक रूलर का काम करेंगे इस, और ये हमने खोला इसको, इसका वाइब्रेशन नहीं काम कर रही, फ्रंट की नहीं वाइब्रेशन लग रही। इसको मुकम्मल खोलेंगे और चेक करेंगे क्या मसला है। हमने मोटर खोली, उसको चेक किया था, वन पे बताएंगे आपको डायरेक्ट चला के इसको स्टार्ट करके। इसमें कचरा निकला है बहुत ज़्यादा ऑयल में, हमने चेक किया इसको। अब इसको मुकम्मल खोलेंगे, बाहर निकालेंगे इसका वेट वगैरह, बाहर निकालेंगे सारा कुछ, और बैरिंग भी इसके नए डालने पड़ेंगे। अब ये हमने ये स्टेप खोले हैं, इससे सील ठीक है इसकी, ये वायरिंग जो है इनकी पॉलिश क्रोमिंग ख़त्म हो गई है। ये आगे से पहले स्टेप खोल लें, खोल के मोटर खोलें, फिर ये हब खोल लें, फिर ये खोल के आगे पुली लगाएं इसमें। ये सप्लाइन भी इसके भी ठीक है, ये भी हमने चेक किया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सारा कुछ चेक करें, तसल्ली से चेक करके फिर आगे जाएं। और ये इसका नट है, चेक नट, ये भी ठीक है। ये लॉक, इसमें लॉक बोल्ट लगते हैं तीन, इसको टाइट करके इसको टाइट कर दें। ये स्पेसर है, दोनों बैरिंगों के दरमियान में आता है कि बैरिंग टाइट ना हो। ये बैरिंग यहाँ स्पेसर आता है दोनों बैरिंगों के सेंटर में, ये आपस में टाइट ना हो जब हम चेक नट करते हैं। ये इसकी क्रोमिंग ख़त्म हो गई है। ये मोटर है, वाइब्रेशन मोटर, ये आपके इल्म के इजाफे के लिए हमने बनाई है वीडियो बड़ी मुश्किल से। ये हमने खोला, आगे वेट है, ये देखे सड़े हुए बैरिंग टूटा निकला इसका, ये साइड पर देखे, ये वेट भी डैमेज है सारे। वो आगे एक बैरिंग होता है ठीक है, सामने बैरिंग है, और ये बैरिंग है, इस पर इसने चलना होता है। ये वेट है इसके, जैसे वाइब्रेशन लगाते हैं तो इसकी वजह से वाइब्रेशन होती है और फॉल्ट से ही बैठती है। ये हमने मोटर चेक किया, मोटर ठीक है, चल रही है माशाल्लाह, सिर्फ इसके बैरिंग टूटे हैं, बैरिंग नहीं डालेंगे आप। ये इसका सारा सिस्टम वाइब्रेशन का यही है सिर्फ, इसका जो अच्छा करने का तरीका है। मोटर इसकी ठीक है, ये सारा हमने खोल लिया, इसको अब वॉश करेंगे, चेक करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।